हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे विच इज द बेस्ट कंपनी टू बाय ट्रैवल लीड्स। अगर आपने अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की है तो आपके माइंड में जरूर होगा कि किस कंपनी से हमें ट्रैवल लीड्स मिल जाए। डेली की हमारे पास इतनी लीड्स आती रहे, महीने का 2 महीने का हमारे पास पैकेज मिल जाए और वहां से फिर आप या आपकी टीम उनको कॉल करे। तो ये बहुत क्वेश्चन होता है कि किस कंपनी से ट्रैवल लीड्स बाय करें। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको लीड्स जनरेट पे फोकस करना चाहिए और जो ट्रैवल कंपनीज हैं उनसे लीड्स परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। या कौन से ऐसे मेथड है जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल लीड्स, क्वालिटी ट्रैवल लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल, बहुत सारे वीडियोस मैंने ट्रैवल बिजनेस पे, ट्रैवल इंडस्ट्री पे ऑलरेडी बनाई हुई है। 600 से ज्यादा वीडियोस हो चुकी हैं। आप बाकी वीडियो जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना अपकमिंग वीडियोस के लिए, और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है हमारा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, जो हमारा टूर पैकेजेस हमें क्रिएट करना होता है, हमारे जो सर्विसेज होती है उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। मार्केटिंग में किसी भी ट्रैवल एजेंसी की मार्केटिंग करते हैं तो उनसे लीड जनरेट करते हैं। चाहे आप जिस ट्रैवल एजेंसी से लीड्स परचेज करेंगे वो भी यही मेथड कर रही है, मार्केटिंग के मेथड वो अपना रही है। जो मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, वो उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, गूगल एड्स रन कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे जो भी मेथड्स वो अपना रहे हैं वो आप भी एज ए कंपनी ओनर, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस आपका है तो आप भी अपना सकते हैं। वो भी ऑलरेडी अपना के मार्केटिंग करके लीड्स जनरेट कर रहे हैं। अभी आप सोचते हैं कि आपने स्टार्टअप किया है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो किस ट्रैवल एजेंसी से हम लीड्स परचेज करें? तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रैवल लीड्स, फ्री ट्रैवल लीड्स, क्वालिटी ट्रैवल लीड्स, बाय ट्रैवल लीड्स, तो बहुत सारी कंपनीज आपके सामने आ जाएंगी, ओपन होके आ जाएगी। अब आप उन पे क्लिक करते हो, साइन अप करते, पैकेजेस उनके देखते हो और वहां से लीड्स परचेज कर लेते हैं। तो इसमें ये बेसिकली प्रोसेस रहता है जो नॉर्मली जो स्टार्टिंग में होते हैं। पर फिर मैं कंसल्टेंसी कॉल भी प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज वर्क कर रही हैं, उनकी मार्केटिंग में मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो देखो मुझे पता रहता है। तो उन वो जब स्टार्ट करते हैं तो उनके एक्सपीरियंस से ही मैं जानता हूँ कि भाई हमने 2-3 महीने उस ट्रैवल एजेंसी से लीड्स परचेज की थी पर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। कन्वर्जन रेशियो भी 100-200 लीड्स पे बात करते हैं, 1-2 कन्वर्ट हो जाती है तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं होती। हमारा मनी टाइम वेस्ट उसमें होता है, वो अलग है। तो अब हमें कुछ जेन्युइन मेथड्स बताओ जिनकी हेल्प से अपने हम मार्केटिंग कर सके और ट्रैवल लीड्स जनरेट कर सके। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस मेरे को देखने को मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी ट्रैवल कंपनीज है जो सिर्फ लीड्स प्रोवाइड कर रही थी, वो आज के टाइम में, जो 1-2-3 साल पहले थी, वो आज के टाइम में काफी उनमें से बंद भी हो चुकी है जो मैं देखता हूं। तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जब आप कहीं से भी आप ट्रेवल लीड्स परचेज करते हैं, देखो डेली की आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्या है वो एक बार उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो देखो डिसीजन आपका होता है आप कैसे करें, तो जो मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले वो लीड्स शेयर करते हैं। अब उनके पास, जैसे किसी ने कहा कि हिमाचल की हमें ट्रैवल लीड्स चाहिए, हमारे पास हिमाचल के बेस्ट पैकेजेस है, आप डेली बेसिस पे मंथली हमारा पैकेजेस, 2 मंथ का, 3 महीने का, जो भी पैकेज है आप हमें प्रोवाइड कर दो, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर ऐसे और भी एजेंट है जिनको हिमाचल के लीड्स चाहिए, वो भी उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, तो वो लीड्स जो उनके पास आ रही है वो लीड्स को शेयर करेंगे 3-4-5 एजेंट्स में। तो वो बेसिकली देखो, मैं बहुत सारे पैकेजेस भी देखता हूँ, कोई 70 रुपए की एक लीड दे रहा है, कोई 80 रुपए की दे रहा है, ठीक है। पर अब जब आप यहां देखेंगे, जैसे मैंने हिमाचल टूर पैकेजेस यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देखेंगे लीड्स बहुत तरीके से जनरेट होती है, उनमें से मेथड है गूगल एड्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, अगर आप गूगल एड रन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका 20 रुपए से ज्यादा, 20 रुपए से ज्यादा, ये देखो 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, 40-40 रुपए तक आपका सीपीसी है कि आपने एड रन की है, और एक क्लिक होते ही आपके 40 रुपए कट जाएंगे। अब वो वहां पे आपके लैंडिंग पेज पे जाके फॉर्म फिल करे या ना करे, पर आपके 40 रुपए, 30 रुपए कट चुके हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपको 70-80 रुपए में लीड्स मिल जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है कि 70 रुपए में आपको क्वालिटी की लीड मिलेगी, 80 रुपए में
उस केस में फिर क्या करती है कंपनीज की, हाँ उनके पास लीड्स आ गई, फॉर एग्जांपल उनके पास लीड्स आ गई, तो वो एक लीड को अगर 5 एजेंट्स में शेयर करती है, अगर उसने 80 रुपए में 100 रुपए में लीड्स जनरेट कर ली और वो 80 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से एक लीड सेल कर रही है, तो 5 एजेंट्स में अगर उसने शेयर की तो 500 रुपए की बेसिकली एक लीड हो गई, 3-4 गुना उसको प्रॉफिट हो जाता है ट्रेवल एजेंसी को। तो इस तरीके से वो, क्योंकि अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस ही नहीं चलेगा, तो वो तो बिजनेस ही फेल हो जाएगा। कि अगर वो 100 से 150 रुपए में एक लीड जनरेट कर रहे हैं और वो 80-70 रुपए में दे रहे हैं, 100 रुपए में दे रहे हैं, तो उनका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो बिना लीड शेयरिंग के तो सेल कर ही नहीं सकते पैकेजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, अब 5 एजेंट्स में शेयर की हुई है उस लीड्स को, अब कोई भी है जब सर्च कर रहा है, किसी इंक्वायरी सबमिट करता है कोई भी कस्टमर, तो वो एक लो एक ये तो है नहीं कि एक उस पे वेबसाइट पे गया, इंक्वायरी सबमिट की और बात खत्म। 3-4-5 एज लाइक जो ट्रेवल एजेंसीज है उनसे भी कॉन्टेक्ट भी करता है, तो देखा जाए तो वो एक लीड 10 एजेंट्स के पास शेयर हो चुकी है। तो वो कन्वर्ट करना, उसको फिर उससे प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें आपका पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये माइंड में रखना चाहिए। आप कहीं से भी देख सकते हैं किस तरीके से ये चल रहा है, कहीं पे भी अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करना चाहे कि भाई मैं 1-2 महीने लेके देखना चाहता हूं, तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो आप ये देख सकते हैं लीड शेयरिंग का ये रहता है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज होती है कि वो बोलती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेवल लीड्स लो, एड चल रही है, कैंपेन चल रही है उनकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, फ्री रैंक करवा रखी है, फ्री में ट्रेवल लीड्स लो, हम आपका देखो सेटअप, बस साइन अप करना है, आपको लीड्स आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे एजेंट्स साइन अप करते हैं, लीड्स आनी भी शुरू हो जाती है, पर उनका फिर उनका क्या होता है फिर, कि आपको आपका प्रॉफिट, जैसे बेसिकली 10% प्रॉफिट रहता है, अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं या इंटरनेशनल जो भी ट्रेवल करने जाता हूं, हम 10 से 15% हम उसको प्रॉफिट मार्कअप रखते हैं अपना, ऐसे एक स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं कि अगर हमने 15% अपना B2B रेट लिए, 15% ऐड करके उसको बोल दिया, सबसे पहले तो 15% भी थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, नेगोशिएट वगैरह करके हमें 10 में ही डील क्लोज करनी होती है, 10%, 10 से कम तो फिर आपके लिए भी बेनिफिट नहीं होगा। अब जो आपको फ्री में ट्रेवल लीड्स दे रही है, सबसे पहले शेयर तो ये भी करेगी, अब 5 एजेंट्स को इसने शेयर किया, 5 में से क्या पता कौन से एजेंट किस तरीके से बात कर रहा है, कौन सा एजेंट की सेल्स टीम अच्छी है, सेल्स पिच अच्छी है, कौन सा कन्वर्ट करे उन 5 में जो शेयर की है उस लीड को। अब जो भी कन्वर्ट करेगा, सबसे पहले तो कन्वर्ट करना ही, देखो 5 में शेयर कर रखी है तो मुश्किल है। अब सारा खेल फिर इसमें आ जाता है कि जो भी शेयर कन्वर्ट करेगा उस लीड को, उसमें से प्रॉफिट शेयर हो जाएगा कि 8%। अब तो पहले तो 3-4-5% से शुरू हुई थी कि भाई हाँ ठीक है, इतना अगर आप 10% ऐड कर रहे हैं अपना प्रॉफिट मार्कअप तो 3% हमारा हो जाएगा। पर अभी के केस में क्या है, सारी मेहनत फिर वो कर रहा है, एजेंट कर रहा है, लीड्स भी शेयर कर रखी है, अब उस प्रॉफिट में क्या है कि 8% वो कंपनी है, 7-8% तक का जो प्रॉफिट मार्कअप है वो कंपनी बोलती है कि अब हमें चाहिए। अब वो उसको 10% से ज्यादा करेगा तो एजेंट कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, 8% प्रॉफिट उसको देना, कंपनी को देना, 10% टोटल हमारा प्रॉफिट ही रहता है पैकेज में। तो 2% प्रॉफिट के लिए सबसे पहले तो वो इतनी सारी कॉल्स करेगा, कन्वर्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, प्रॉफिट मार्कअप कम रखेगा 2% के लिए, उसके तो सारा लॉस में जाएगा वो तो। तो ये बेसिकली बात है कि जब आप इस तरीके से फ्री में लीड्स लेते हो, फ्री में नहीं, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है आपके लिए, आप पूरा प्रॉफिट किसी और को दे रहे होते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का पैकेज आपने कन्वर्ट किया बहुत मुश्किलों से, कि उसने लीड्स भी शेयर कर रखी है, अब उसमें 10% आपका प्रॉफिट है, पूरा प्रॉफिट आपको आना चाहिए था, अब उसमें से 8% जो जो है कि 10% जैसे आपको इसमें प्रॉफिट हुआ, 10% का आपको प्रॉफिट हो
हुआ 10% में से अब आप उसको 8,000 रुपये उस एजेंसी को दे रहे हैं जहां से आपने लीड वो परचेज की है, जो आप बोल रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 10% आपको बचा है, 10,000 रुपये बचे हैं, उसमें से 8,000 रुपये आपको किसी और को देने पड़े, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखना जब भी आप इस तरीके से फ्री लीड्स आपको कहीं पे भी दिखे, तो ये चीजें होती हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से है। अब तीसरी चीज हो जाती है कि ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में क्या होता है कि देखो, जब भी कोई कस्टमर कहीं से लीड्स कहीं पे दे रहा है, वो इंक्वायरी सबमिट कर रहा है कहीं पे, इंक्वायरी सबमिट कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो उस कंपनी को जानता है, उस कंपनी की उसने एड देखी है कहीं पे भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी है या गूगल पे देखी है। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि जब उनने एड देखी है वहां की, उस कंपनी को वो जानता है जहां से आप लीड परचेज कर रहे हैं, तो उस कंपनी की ऑटोमेटिकली बेसिकली जो है वो ब्रांडिंग हो रही होती है। एट द एंड उस कंपनी की ब्रांडिंग हो रही होती है, तो उस कंपनी की ब्रांडिंग हो रही होती है, तो एट द एंड अगर कस्टमर को अगर कहीं पे भी दोबारा से जाना है, अगर वो हिमाचल के लिए अभी जा रहा है आप के थ्रू जा रहा है, लीड आपने कन्वर्ट कर दी वो वाली, अब आने वाले टाइम में अगर उसको कहीं जाना है तो वो उस कंपनी को जानता है जहां से वो बेसिकली आया है, जहां से आपने लीड परचेज की है, तो इसमें आपकी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं हो रही, ब्रांडिंग उस कंपनी की हो रही है जहां से आपने लीड परचेज की है, लीड परचेज की है। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि देखो, अगर दोबारा से कि उस कस्टमर को आना हुआ, किसी को रेफर करना हुआ, तो आपकी कंपनी को नहीं करेगा वो रेफर, जहां से उसने पैकेज बुक किया था उसको करेगा। अब CPL, कॉस्ट पर लीड, जो हमने बात ही की कॉस्ट पर लीड, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट पर लीड, जब यहाँ पे CPC ही, कॉस्ट पर क्लिक ही आपका 20, 30, 40 रुपए तक आ रहा है, तो जो कॉस्ट पर लीड है वो अगर उसको मान लो अगर वो 100 रुपए में भी आपको दे रहे हैं, 100 रुपए में, 100 100 से ज्यादा में, तो वो जनरेट कर पा रहे हैं और इतने में ही वो आपको देंगे, तो वो कैसे कर पाएंगे सर्वाइव, वो उनका खुद का बिजनेस ही नहीं चलेगा, तो वो शेयर करेंगे ही डेफिनेटली। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि भाई कॉस्ट पर लीड जनरेट करने के लिए वो कहीं से भी आ रही है, तो उसपे एक एवरेज में मान के चलो कि 80 से 100 रुपए में लीड जनरेट करने में खुद में ही लग जाता है। अब इतने में ही वो आपको देंगे तो उनको किस तरीके से बचेगा, उनको नहीं बचेगा, वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो लीड शेयरिंग तो बेसिकली रहता ही है, लीड शेयरिंग का ये, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आ जाती है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉस्ट पर लीड, जो हमारे पास लीड आई। अब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, अब इसमें यह है कि कितना हमारे पास कस्टमर को लाने में ही कितना हमें रुपए लगे हैं या कितना हमें एफर्ट लगा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लीड जो हमारे पास आई, लीड आई हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में, हम हर लीड तो कन्वर्ट नहीं होगी। अगर मेरे पास अच्छी क्वालिटी की 100 लीड्स आई हैं तो 10-12 कन्वर्ट मैं मानता हूं कि एक अच्छा कन्वर्जन रेट हो जाता है, 10 से 12 लीड्स अगर कन्वर्ट होती है। तो अब जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, अब ये है कि हमारे पास अगर 10 लीड आई, फॉर एग्जाम्पल 10 लीड 1,000 रुपए की आई, तो 1,000 में से एक कन्वर्ट, 1,000 रुपए की लीड्स जो हमने 10 लीड्स हमें मिली है 1,000 रुपए में, उसमें एक कन्वर्ट हुई है, तो हमारा जैसे कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हो जाता है 1,000 रुपए हमारा जैसे हो जाता है। पर इसमें भी देखो, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन में भी देखो, जो जहां से आपने लीड परचेज की है, सारा खेल उसके बाद बैकएंड का, जैसे आप उससे बात कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, 10 लीड से बात कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, पैकेजेस दे रहे हो, आइटनरी दे रहे हो, उनकी इनको उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझ रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, सारी चीजें हो रही है, तो जो मेहनत है इसको ग्रैब करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए लीड को, वो सारी मेहनत आप कर रहे हो, पर एट द एंड जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जो ब्रांडिंग हो रही है, वो उस कंपनी की हो रही है। आप कस्टमर लेके आए, सारी चीजें आपने की, पर ब्रांडिंग एट द एंड उसकी हो रही है। अब आपका कस्टमर ले आए, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, अब बाद में उसको कहीं पे भी जाना है, तो जिसकी ब्रांडिंग हो रही है उसके थ्रू वो जाएगा, रेफर करेगा, उसके थ्रू करेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन।
कि अगर आप सारी चीजें खुद से कर रहे होते तो ये आपका कस्टमर होता है, आपकी ब्रांडिंग हो रही होती है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आ जाती है LTV, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर। अब लाइफ टाइम वैल्यू में भी अब देखो, कोई कस्टमर अब गया है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हम लेके आए हैं, जैसे अमेजोन की मैं बात करता हूँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अब वो कस्टमर लेके आए हैं, वहां पे उन्होंने मार्केटिंग की सारी चीजें की। अब उनका फॉर एग्जाम्पल ₹500 में एक कस्टमर आया उनके प्लेटफॉर्म पे आया, जिसने उसकी ऐप को इंस्टॉल किया, वहां से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, अब वो ₹500 में तो उसको लेके आए हैं। अब उसने प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल कोई खरीदा है ₹200 का, तो वो तो सोच ही नहीं सकते कि इस तरीके से चलेगा। तो वो इसमें क्या आती है, लाइफ टाइम वैल्यू। अब उसने एक बार प्रोडक्ट परचेज किया है तो वो बार बार करेगा, और लाइफ टाइम एक दो तीन चार पांच 10 साल तक का अगर हम देखेंगे कि कस्टमर से हमें लाइफ टाइम वैल्यू कितनी वो प्रोवाइड कर रहा है, कितना हम उससे रेवेन्यू हमें दे रहा है, कितना हम उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं ट्रेवल एजेंसी में बात करूं, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर, अब यहाँ पे लीड आई, हमने कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन निकाल लिया कि ₹1,000 में हमें एक कस्टमर मिल रहा है। अब लाइफ टाइम वैल्यू, अब ₹1,000 में वो मान लो एक कपल, हनीमून कपल पैकेज बुक कर रहा है, जिसमें हमें 5,000 बच रहे हैं, जिसमें से अगर 1,000 मैं निकाल दूं कॉस्ट ऑफ कस्टमर तो ₹4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, पर ये सारा प्रॉफिट हम उसे देना पड़ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग में या लीड परचेज करने में, और एट द एंड वो ब्रांडिंग भी उस कंपनी की हो रही है, तो अगर कहीं और जाना हुआ तो वो उसी कंपनी से जाएगा। अब लाइफ टाइम वैल्यू में जैसे क्या होता है, अगर मैं पूरे ओवरऑल देखूं कि अगर कस्टमर को मैंने सर्विस अच्छी दी है, अच्छे से उसको प्रोवाइड किया है जो भी रिक्वायरमेंट थी, तो वो अब हिमाचल अगर मेरी कंपनी की तरफ से ट्रेवल किया है तो आने वाले टाइम में वो गोवा भी जाएगा, वो अंडमान भी जाएगा, उसे इंटरनेशनल भी जाना होगा। अगर मैं उसके साथ एक अच्छे कनेक्शन बना के रहूंगा, उसको रेगुलरली कुछ ना कुछ जैसे ऑफर या ईमेल मार्केटिंग वगैरह हम करते रहेंगे, तो वो लाइफ टाइम हमसे कनेक्ट रहेगा। तो कितने टाइम तक कोई कस्टमर है कि हमारे साथ 6 महीने रहा, कि उसने 2 ही ट्रिप ली, कोई कस्टमर होंगे कि 1 साल तक हमारे साथ ट्रेवल करे, कोई 2 साल तक, कोई 3 साल तक। तो इस तरीके से लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर हम एक निकालते हैं। अब अगर आपने कहीं से लीड परचेज की है, बाय की है, तो वो तो एट द एंड उसी का कस्टमर है, तो आपकी कंपनी को तो वो बाद में अगर कहीं जाना हो तो वो तो उन्हीं को कॉन्टेक्ट करेगा, तो इसमें भी आपका लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कि जो लीड शेयरिंग का है, प्रॉफिट शेयरिंग वाला है, अगर फ्री में दे रहे हैं, ब्रांडिंग उनकी हो रही है, कॉस्ट पर लीड 100 की है तो आपको जनरेट करने में ₹100 लगते हैं, तो आपको वो ₹100 में क्यों प्रोवाइड करेंगे, ₹80 में, ₹100 में क्यों प्रोवाइड करेंगे, तो वो शेयर करेंगे तभी आपको प्रोवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, आप देखो कि कॉस्ट कस्टमर को कन्वर्ट करने में, लीड को कन्वर्ट करने में सारा एफर्ट तो आपका लग रहा है, और एट द एंड ब्रांडिंग उस कंपनी की होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखो, LTV लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर अगर आपका होता तो आपको वो उसे कहीं और जाना होता या किसी को रेफर भी करना होता, आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते, अगर उसको कुछ गिफ्ट देना है, कुछ मग देना है, तो आपकी कंपनी का लोगो होता है, टी शर्ट आपकी की कंपनी की होती है, अगर उसको कुछ देना है, तो लाइफ टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आपको देखना चाहिए इस चीज को। इसके बाद आ जाता है हाई क्वालिटी लीड्स। अब कोई कंपनी है, अब वो जैसे कंपनी है, लाइव है, वेबसाइट वगैरह सारे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग वगैरह कर रही है, अब कुछ डायरेक्ट कॉल्स भी होते हैं, अब किसी ने डायरेक्ट कॉल करके पूछा कि हाँ हमें इस तरीके से जाना है, या कोई अच्छी लीड हुई, देखो पता चल जाता है, कोई भी लीड आती है ना तो कितने लोग हैं, कितने कब जाना है, कहाँ जाना है। अब मेरे पास भी काफी लीड्स आती है, अब कोई कहता है कि हमारी फ्लाइट बुक है, ट्रेन बुक है, गुजरात से आ रहे, हमें हिमाचल का पैकेज दे दो, 8 लोग हैं, डेट वेट सब कुछ उसने रिसर्च कर रखी है, फ्लाइट वाइट सब कुछ बुक कर रखी है। अब मुझे पता है 10 लोगों का ये आ रही है, फैमिली आ रही है, अब मैं इसको किसी को लीड को 100, 200, 300, ₹1,000 में ना दो, अगर मुझे पता है कि वहां से 30, 40 हज़ार रुपये मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो ऐसे ही यही कंपनियां, ऐसी बात नहीं है कि इनके पास DMCs नहीं है या कनेक्शन नहीं है या वहां के लोकल जो टाइप्स होते हैं वो नहीं है, तो हाई क्वालिटी लीड्स होती है तो ये खुद से ना कन्वर्ट करेंगी। अब जैसे मेरे पास भी अब YouTube चैनल से जैसे मैं बात करूं, हमारे पास आया था कॉरपोरेट मनाली ग्रुप टूर, ये कोई चेन्नई की कंपनी थी जिन्होंने मेरी वीडियो को ही देखा था, कोई यूट्यूब पे वीडियो को देखा था, कि मनाली की ग्रुप टूर की वीडियो को देखा था वहां पे, कि हमें भी जैसे फॉर एग्जांपल मनाली जाना है, हमारा 50 लोगों का ग्रुप है, हमें मनाली जाना है, जैसे ये है मनाली कॉरपोरेट ग्रुप टूर 50 पैक्स, तो इन्होंने कॉल की, एक बंदे ने कॉल की इनमें से मुझे कि हाँ भाई हमें इस तरीके से जाना है, और
इस तरीके से हमें जाना है वहां पे, मनाली जाना है, और बता दो पर पर्सन कितना कॉस्ट आएगी। तो अब 50 लोग हैं वो, अब मैं तो भाई किसी को ना दो इस तरीके से। अब ऐसी लीड्स उनको भी आती होगी जो जिनसे आप परचेज कर रहे हैं। अब इस तरीके की जो लीड आई, जो कॉल आई, अब वो एकदम से मुझे पता है कि भाई बात करने से वो 10 से 15 मिनट बात कर रहा है, सारी चीजें बता रहा है, हमारा बजट इतना है, ये चीजें हैं, फ्लाइट बुक कर ली, ये हो गया, वो हो गया। अब मुझे बस उसको पैकेज देना है, थोड़ा से पैकेज में जो भी आइटनरी में चेंज होगा वो करना है, और 50 लोगों का टीम है। अब जो 70-80 हजार 1 लाख रुपए वहां पे बचने हैं, मैं 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए में क्यों दूंगा मैं उस लीड को? तो यही माइंडसेट इनका भी तो आप समझो ना, एज ए कंपनी ओनर ये चला रहे हैं, तो इन्हें पता है कि कौन सी लीड शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी। जो लो क्वालिटी की है, जो बिल्कुल हाई क्वालिटी, वो तो बात करने से ही पता चल जाएगा। 100 में से 10 कॉल तो ऐसी आ जाती है कि भाई हम मतलब हमें बिल्कुल बुक ही करना है, तो वो लीड्स तो किसी को नहीं देंगे, उनके पास क्या कनेक्शन नहीं है कि वो पैकेजेस ना दे सके। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि हाई क्वालिटी लीड्स वो नहीं शेयर करेंगे। पहली बात ये है कि जहां से उनको पता है कि यहां से अच्छे खासे हमें मतलब कन्वर्टेड ही ऑलरेडी कॉल करने से, आप भी अगर एक्सपीरियंस है थोड़ा सा सेल्स का तो आपको पता ही चल जाता है कि हाँ भाई कौन किस तरीके से बात कर रहा है। बिल्कुल पैकेज दो, बुकिंग करो, डन, हमें जाना है। तो वहां से जब 15-20-50 हजार रुपए एक लीड से अगर बच रहे हैं, तो 100-200 रुपए में कोई कंपनी क्यों देंगी किसी को? तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखो। तो फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ भाई हमें तो ट्राई करना है, देखो मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड है, मैंने बहुत सारे मेथड, कम से कम 20-30 मेथड इन वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। हर एक वीडियो पे एसईओ फॉर ट्रैवल एजेंसी, एक एक टॉपिक पे जो मार्केटिंग का मेथड है मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर ट्रैवल बिजनेस। तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, देखना कि ऑर्गेनिक तरीके से भी आप किस तरीके की, आपको पैसे नहीं लगेंगे, बस आपको कुछ एफर्ट लगाने हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे मेथड्स भी मैंने इन वीडियोस में बताए हुए हैं, तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर भी आपको लगता है कि नहीं भाई, 1-2 बार 1-2 महीने 3 महीने के लिए मुझे थोड़ा सा ट्रायल करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में है, माइंड में चीजें नहीं रहनी चाहिए, एज ए बिजनेस ओनर आपको आगे बढ़ना है, कंपनी चलानी है, तो ये चीजें कर सकते हैं। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था इस तरीके से कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हम भी गूगल एड्स रन करते हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, सारी चीजों का पता है, लीड किस तरीके से निकलती है, कितने रुपए लगते हैं लीड को जनरेट करने में। तो ये था इसके वीडियो के बारे में। तो आप जैसे लीड शेयरिंग का ध्यान, प्रॉफिट हमने बात की, ब्रांडिंग कॉस्ट पर लीड हो गया, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए हाई क्वालिटी, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो, बाकी वीडियोस देखो, और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी जो अपडेट होती है, कहीं पे भी ग्रुप के साथ जाना है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो सबसे पहले वहीं पे मैं अपडेट करता हूँ, क्योंकि गूगल इस पे यूट्यूब पे आने में वीडियोज थोड़ा सा एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप वहां पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम का भी। और अगर आपको कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है ट्रैवल बिजनेस में, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी पूछना है, कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है, या प्रॉपर ट्रेनिंग आपको बुक करनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग बुक करनी है, या ऑफलाइन ट्रेनिंग बुक करनी है, वो चीजें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव ए नाइस डे।